डीडी पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम खास खबर एक नज़र च मैं हाँ ईशु ते साडे नाल अज दे इस खास प्रोग्राम दे विच अखबारां दी अहम सुर्खियां ते झात पाउण दे लई बतौर माहर मेहमान मौजूद ने सीनियर पत्रकार जोगिंदर संधू जी। आओ करते हैं उन्हां दा स्वागत। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। संधू साहब सब तो पहला गल करदे आ गुजरात दी, जिथे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तौते तूफान तो पीड़ित गुजरात सूबे दे लई 1,000 करोड़ दे राहत पैकेज का ऐलान किया है, इस बारे थोड़ा की कहना है? बड़ी वड्डी आफत है जिहड़ी ताउते दे रूप दे विच आई है और इन्हें बहुत सारे सूबियां च नुकसान किया। पहला महाराष्ट्र नूं अपनी लपेट दे विच लिया है, हुण गुजरात दे विच बहुत नुकसान होया। इहदे नाल जे आपां देखिए तो जिहड़ी करोना वर्गी महामारी है उन्हें भी सब तो वध महाराष्ट्र च नुकसान किया, उस तो बाद गुजरात दे विच भी बहुत नुकसान किया। लोग अजे उहदे तो उभर नहीं सके कि उत्तों उन्हां नूं इस चक्करवात की मार पई है, इस तूफान की मार पई है जिहदे नाल लोगों के हज़ारां मकान जिहड़े उह बर्बाद हो गए, उत्थे हज़ारां रुख जिहड़े उह जड़ां तो उखड़ गए, होर भी बहुत सारा नुकसान जिहड़ा सूबे का होया ते कई लोगों की मौत हुई है। उहदे विच कुछ लोग अजे भी लापता ने जिन्हां नूं लभण की कोशिश कर की जा रही है। उस काम वास्ते फौज नूं लाया गया। बीते दिन साढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर ने जिहड़े चक्करवात तो प्रभावित इलाके है गुजरात के उन्हां दा हवाई सर्वेखण किया, उन्हां दा जायजा लिया ते फौरी तौर पर उन्होंने बाद विच जदों जायजा लैण तो बाद उन्होंने उत्थे मीटिंग की है जिहदे विच मुख्यमंत्री ते होर उच्च अधिकारी भी शामिल सी। उस तो बाद उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए की फौरी जिहड़ी राहत है उहदा ऐलान किया। इहदे नाल उन्होंने जिहड़े लोग इहदे विच मारे गए ने चक्करवात दे विच उन्हां नूं 2-2 लाख रुपया देण दा ऐलान किया, 50-50 हज़ार रुपया जख्मियों नूं देण दा ऐलान किया। सवाल यह है कि इस तरह दियां आफतां जिहड़ियां ने इह कोई पहली बार नहीं कि इस तरह की आफत पहली बार आई है, इस तो पहला सुनामी नूं देश बर्दाश्त कर चुका है और खास करके गुजरात की गल करिए तो गुजरात जिहड़ा 2001 दे विच बहुत वड्डे भूचाल नूं बर्दाश्त कर चुका है जिहदे विच हज़ारां लोगों की मौत हुई सी और बहुत ज़्यादा नुकसान होया सी गुजरात का। इस तरह दियां आफतां वास्ते शायद असीं साडे कोल जिहड़े ने उह पहलां तों कीते जाण वाले जिहड़े प्रबंध है उह तसल्ली बख्श नहीं, जां उन्हां नूं होर जिहड़ा उह वधाया जाणा चाहीदा तां कि इस तरह की कोई भी जिहड़ी है त्रासदी वापरदी है जां उहदी संभावना बनदी है। तो उस तों पहलां असीं खास करके समुद्री कंढिया ते जदों बैठे आ लोक ते सानूं पता है कि इह तूफान जिहड़ा समुंदर दे विच आ रिहा सी उह लोकां नूं बचा सकीए। फिलहाल जिहड़े लोग प्रभावित होए आ उहनां नूं राहत दा ऐलान एक चंगा कदम है कि उहनां दा मुड़ वसेबा हो सकेगा। 2 लाख दे करीब लोग है जिहड़े समुंदरी कंढियां तों जिहनां नूं उठा के होर थावां दे उत्ते पहुँचाया गया और सरकार उहनां दी देखभाल भी कर रही है, सांभ संभाल भी कर रही है। शंका इस गल दी भी है कि इहदे पिछे एक होर चक्करवात भी जिहड़ा आ रहा है, पर मौसम विभाग दे माहरां दा इह कहिणा कि उह इन्ना खतरनाक नहीं होएगा जिन्ना ताऊ ते जिहड़ा उह खतरनाक सी। हाँ जी, गल करिए ब्लैक फंगस की, तो इस नूं राजस्थान सूबे दे विच महामारी करार दे दिता गया है, इस बारे तुहाडा की कहना है? करोना की पहली लहर जिहड़ी सी उह इस बीमारी तो जिहड़ी इह ब्लैक फंगस है उहदे विच बचा रहा, पर दूजी लहर जिहड़ी है एक तो वह अपने आप विच बहुत ज़्यादा घातक है क्योंकि इन्ने ज़्यादा मामले उहदे विच आए है और इन्नियां ज़्यादा मौतां हुई हैं कि देश हुण लगता है किसी हद तक थोड़ा जिहा उहदे तो संभलण लगा। जिथे 4 लाख तो वध मामले रोज़ आ रहे थे उत्थे हुण मामले जिहड़े 3 लाख तो घटे है, 2.5 लाख 2 लाख 60 हज़ार के करीब आने लगे हैं पिछले कुछ दिनों तो, जबकि भावें मौतां अजे भी हो रही हैं पर जिहड़े लोग पहलां तो पीड़ित है उन्हां दा इलाज चल रहा हस्पतालां दे विच और इस दौरान ही उन्हां दे इलाज दौरान ही ये चीज़ जिहड़ी सामने आई है कि ब्लैक फंगस नां दी एक बीमारी खास करके जिहड़े शूगर तो पीड़ित लोग है उन्हां जिन्हां नूं करोना हो जांदा उन्हां दे उत्ते ज़्यादा असर करती है, ज़्यादा इफेक्ट करती है उन्हां दे गले नूं, नक नूं, अखां नूं, इहदे तों बहुत बुरी तरह नाल मतलब उहदा प्रभाव पैंदा है। और इस दौरान महाराष्ट्र दे विच इहदे नाल काफ़ी सारियां मौतां होईयां, गुजरात दे विच भी इहदे कुछ मामले सामने आए हैं, राजस्थान दे विच भी कुछ मौतां होईयां, मामले भी सामने आए ते राजस्थान ने तां इहनूं महामारी ऐलान कर दित्ता है और इहदे वास्ते इस महामारी तो बचाव लई भी कोई जिहड़ा टीकाकरण है उहनूं अमल विच लिआंदा जा रिहा है तां कि लोकां नूं जिहड़े होर दूजे जिहड़े बाकी दे पेशेंट है उहनां नूं किसे तरह ब्लैक फंगस तो सुरक्षित रख्या जा सके। पर हाल दी घड़ी जिहड़ी है उह इहदे ते काबू पाउण लई
कोई मुस्तकल जी पक्की है पक्का इलाज जो आप कही सामने नहीं आया। काफ़ी लोग जोड़े तो प्रभावित हुए हैं। सावधानियां जिड़िया वरतन वास्ते लोगों को कहा जाता है कि जो माड़े मोटे लक्षण भी किसी के कोरोना के आते हैं या उस तो अगे आते हैं तो उन्होंने तुरंत जो डॉक्टरी सलाह लैनी चाहिए है इलाज वास्ते जाना चाहिए। बहुते लोग जोड़े ने अपने घर के ही ओढ़ पोड़ कर लग पेंदे ने और जो बीमारी जी घातक रूप धारण कर लेंदी है तो फिर वो हस्पतालों में जाते हैं। अजिहा नहीं करना चाहिए। जे सरकार अपने पद्धर से यतन कर रही है मैडिकल टीम जिहड़ियां जां सेहत विभाग अपने पद्धर से यतन कर रहे हैं तो लोगों नूं भी इस संबंध में चौकस रहना चाहिए तो डॉक्टरी हदायतों की पालना करनी चाहिए जी। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कल एक बयान जारी किया जिस विच उसने कहा है कि करोना तो ठीक होने मगरों 3 महीने बाद वैक्सीन लगेगी। विस्तार नाल समझाओ इस तरह का ये प्रभाव सामने आया सीगा कि जिहड़ा करोना का वैक्सीन है जे किसी नूं करोना पहला हो जाता है तो उहदे विचों 3 महीने तक इन्ना इफेक्टिव नहीं रहिंदा। इस करके ये कहा गया कि चाहे किसी नूं करोना पहला हो चुका है भावें उन्हूं वैक्सीन की एक डोज लग भी चुकी है तो उस तो बाद उन्हूं करोना हो गया तो दूजी डोज जिहड़ी है उन्हूं उदों दित्ती जाएगी जदों वह करोना तो पूरी तरह नाल बाहर आ जाएगा। और जे किसी नूं पहली बार मतलब होया करोना जिहदी उन्हूं पहले डोज नहीं भी लगी कोई मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पहली डोज नहीं भी लगी तो उस नूं भी उदों ही इहदी जिहड़ा वैक्सीन दिता जाएगा जदों उन्हूं वह बीमारी तो उभरिया 3 महीने हो जाएंगे ताँ कि जिहड़ा वह टीका है उहदे उत्ते पूरा प्रभावित हो सके पूरा असर कर सके। जे उस तो पहला लाया जाता है तो वह इन्ना इफेक्टिव जिहड़ा नहीं होगा। एक किस्म का टीका वेस्ट करन वाली गल है। माहरां का कहना अजिहा है कि टीका 3 महीने तो पहला नहीं लाना चाहिए जिहड़े इस बीमारी तो उभर गए ने भावें उन्हां नूं पहली डोज लगी है तो भावें नहीं जिहनूं भी करोना होया वह इहदे तो उभरन तो 3 महीने बाद ही जिहड़ा टीका लाया जाए। इहदे नाल एक गल होर भी पहला चर्चा का विषय बनी हुई थी कि गर्भवती मावां जिहड़ियां वह वैक्सीन लवा सकदियां कि नहीं ते उन्हां नूं भी हरी झंडी दे दित्ती गई है कि वह लवा सकदियां। दूजी जिहड़ियां मतलब मावां जिहड़ियां बच्चे नूं दुध पिआउंदियां गर्भवती बारे नहीं फैसला होया जे जिहड़ियां मावां बच्चे नूं नवजम्मे बच्चे नूं दुध पिआउंदियां वह लवा सकदियां गर्भवती औरतां जिहड़ियां उन्हां बारे अजे फैसला जिहड़ा वह कीता जाणा है। फिलहाल 18 साल तो उपर दे लोकां नूं लग रिहा 18 साल तो घट बारियां वाले भी अजे जिहड़ा वह कोई फैसला नहीं कीता गया। हाँ जी जी। अगली अहम खबर के अनुसार DAP ते 140% जिहड़ी सबसिडी है उन्हूं वधा दिता गया है। इस नूं तुसीं किस तरह देखते हो? DAP खाद जिहड़ी है किसानां वास्ते बड़ी अहमियत रखती है फसलों वास्ते बहुत अहमियत रखती है। इहदी बड़ी वड्डी खपत है सारे देश दे विच पंजाब दे विच। इहदी कीमत जिहड़ी है पहलां 1200 रुपया प्रति बोरी सी हुण उह वधा के 1900 रुपया प्रति बोरी कर दित्ती गई है। किसानां नूं पहलां भी यह 700 रुपया की मिलती सी इहदे उत्ते 500 रुपया सबसिडी सी ते हुण जदों इहदी कीमत 1900 रुपया हो गई है ते किसानां नूं अजे भी उसे भाव ते इह मिलेगी इहदे उत्ते जिहड़ी है सबसिडी जिहड़ी है 1200 रुपया सबसिडी है वह सरकार वालों दी जाएगी। 500 सबसिडी पहला वाली तो 700 जिहड़ा इहदी कीमत दे विच हुण इजाफा किया गया 1200 तो वधा के इहदी कीमत 1900 रुपया प्रति बोरी कर दी गई है। वह सारी सबसिडी जिहड़ी है वह सरकार बर्दाश्त करेगी। किसानां नूं इहदे नाल काफ़ी वड्डी राहत जिहड़ी है वह मिल सकती है बहुत वड्डी राहत है 1200 रुपया प्रति थैले दे हिसाब नाल। दूजे पासे जे आपां इह वी देखीए तां सरकार ने बेशक अपने कोलों इह पैसा देण दा बंदोबस्त किया ऐलान किया प्रबंध किया पर जिहड़ियां खाद निर्माता कंपनियां उन्हां नूं पैसे पूरे ही मिलणगे। जे वह पैसे किसान नहीं देणगे तां वह पैसे उन्हां नूं सरकार देवेगी। इस करके किसानां नूं फायदा होगा सरकार दे उत्ते बोझ वधेगा ते कंपनियां जिहड़ियां उन्हां नूं उहदी कीमत पूरी ही मिलेगी। इस तरह जिहड़ी NPK खाद है उहदी कीमत भी 400 तों वधा के 800 रुपए कीती गई है पर उहदे बारे अजे ऐलान नहीं किया गया कि उहदे उत्ते सबसिडी जिहड़ी है वह किन्नी दित्ती जा रही है सरकार वल्लों। सिर्फ DAP दे उत्ते ही ऐलान किया गया है ते DAP जिहड़ी है वह पहलां वाली कीमत उत्ते ही किसानां नूं मिलेगी। इस दी बहुत वड्डी खपत देश दे विच हुंदी है जी। संधू साहब पंजाब कांग्रेस दा जिहड़ा विवाद है वह हाई कमान दे दखल दे पिछों हुण रुकिआ है इस बारे तुहाडा की नज़रिया है? पिछले काफ़ी समय तो ये जिहड़ा विवाद है ये तुख रहा है आपस दे विच जिहड़ा कांग्रेस पार्टी दे कारकुन मंत्री मुख्यमंत्री आपस दे विच उहनां दी जिहड़ी है वह विवाद चल रहा बहसबाजी चल रही है कई मुद्दों नूं लैके। और हुण क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वध गया सी इहदे विच बहुत सारे मंत्री संसद मैंबर विधायक जिहड़े वह भी शामिल हो गए एक पासे मुख्यमंत्री का धड़ा दूजे पासे जिहड़े लोग उन्हां दे विरुद्ध आवाज़ उठा रहे ने गल कर रहे ने और उन्हां नूं याद दवा रहे ने कि जदों चोणां होईआं सी उन्हां ने जिहड़े वादे कीते सी वह अजे तक पूरे नहीं किए गए। खास करके जिहड़े संसद मैंबर प्रताप सिंह बाजवा उन्होंने गल की है हजे भी उन्होंने यही गल की है भावें कि हाईकमान वल्लों दखल दिते जाण तों बाद कुछ समय लई जिहड़ा ये विवाद है ठंडा पैंदा नज़र आ रहा है।
सारियां दोनों धिरों नूं इह कहा गया कि वह चुप करके शांति नाल बैठन ते आपसी गलबात राही मसले का हल किया जाए। पर प्रताप सिंह बाजवा ने इस दे बावजूद भी यह गल कही है कि जे 40 दिनों दे विच 50 दिनों दे विच इन्हां मसलियां का हल नहीं किया जाता तो फिर असी चुप करके नहीं बैठ सकते, असी लोगों दे विच जावांगे और इस मसले के संबंध में असी अपनी आवाज़ उठाउणी जिहड़ी है वह जारी रखांगे। उन्हां दा कहना है कि जदों असी लोगों दे विच विचरदे आ ते लोगों वल्लों इस मामले च सवाल किए जाते हैं, जवाब मंगिया जाता है कि चोणां तों पहलां जिहड़े वादे किए सी पार्टी ने उन्हूं सत्ता विच आया नूं भी इन्ना चिर हो गया है, इस तों बाद अज तक भी उन्हां मसलियां कोई हल जिहड़ा वह क्यों नहीं किया गया। खास करके इहदे विच जिहड़ा जिक्र किया जाता है वह नशियां दे मामले जिक्र किया जाता है, बहबल कलां गोलीकांड जिहड़ा सी उस मामले भी जिक्र किया जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संबंध में जिहड़े बेअदबी के मामले घटनावां होईआं सी उन्हां दा जिक्र किया जाता है। और इस गल नूं लैके जिहड़ा तूफान काफ़ी उठिया सी कांग्रेस दे विच वह थोड़ा जिहा मठा पिया, अजे इहनूं आपां इह नहीं कह सकते कि वह बंद हो गया है। जे कोई असरदार कदम केंद्रीय हाईकमान वालों कांग्रेस हाईकमान वालों नहीं चुकया जाता तो यह मामला जिहड़ा फिर भड़क सकता है और वह भी उस हालत में जदों कि चोणां जिहड़ियां वह अगले कदम के उत्ते बैठियां ने, बहुत नेड़े पंजाब दीआं चोणां आ गईआं ने, इहो जिहे मौके ते हुकमरान पार्टी विच इस तरह का विवाद जिहड़ा उहनूं मंदभागा ही कह सकदे आ जी। इस दे नाल ही हीरोइन ते 50 लाख की ड्रग मनी समेत 3 व्यक्तियों नूं गिरफ्तार किया गया है, पूरा मामला की है। आपां हुणे ही गल कीती सी कि नशियां दे मामले विच जिहड़ा उह इस सरकार ने सत्ता विच आउण तों पहलां पार्टी ने कहा सीगा कि असीं नशियां नूं इक हफ्ते विच लगाम लावांगे, 10 दिनां च लगाम लावांगे, उह 10 दिन भी लंघ गए, हफ्ता भी लंघ गया, साल भी लंघ गया ते कई साल छड के हुण उहदी म्याद जिहड़ी आ उह पूरी होण दे लग गए आ। और अज भी नशियां दे विच जिहड़े लोक आ उह इस तरह जिहड़ी कि इह जिहड़ा इक ग्रोह जिहड़ा फड़िया हुशियारपुर की पुलिस ने और जिन्हां दे विच एक औरत भी शामिल है, उन्हां दे कोलों असला भी बरामद होया, अफीम भी बरामद हुई, हैरोइन भी बरामद हुई, उन्हां दे विच एक औरत भी शामिल है। और लोग अज भी जिहड़ा ये काम धरले नाल कर रहे हैं, कुछ फड़े जाते हैं और बहुत सारे जिहड़े ने वो पुलिस की पकड़ तो भी बाहर रहिंदे ने, कानून की पकड़ तो भी बाहर रहिंदे ने। अतीत दे विच आपां नूं पता है कि पंजाब दे विच किन्नियां जानां दा नुकसान होया, जवानी का किन्ना नुकसान होया, किन्ने नौजवान जिहड़े सी वो नशियां की लपेट दे विच आके उन्होंने जिहड़ा परिवारां दा बहुत सारे परिवारां दा नुकसान होया है। पर असी इस गल नूं जिहड़ा वो नत्थ नहीं पा सके, पंजाब दे विच कई मसले जिहड़े ने वो लगातार चल रहे ने, पिछली सरकार वेले भी चल रहे सी, इस सरकार वेले भी चल रहे ने, नशियां दा मामला होवे, अरेता दा मामला होवे और ये जिहड़े आपां बहबल कलां गोलीकांड की गल कीती ये भी पिछली सरकार वेले चले आ रहा है। बई किसी मामले दे विच भी सरकार जिहड़ी आ वो इन्ने प्रभावशाली कदम क्यों नहीं चुक सकी अज तक, तो क्यों नहीं नत्थ पाई जा सकी। और ये भी कहा जाता है कि इहदे विच बहुत सारी जिहड़ी है होर उच्च हस्ती वाले लोगों की मिली भगत हुंदी है, उन्हां दे शहर दे हेठ जिहड़े आ नशे जिहड़े चलते हैं, जिहड़े आम लोग जां माड़े लोग हुंदे ने वो कब गिरफ्त विच आ जाते हैं, दूजे लोग जिहड़े ने असर सूख वाले वो बच भी जाते हैं। सरकार नूं इक पासों इस तरह का नियम कायदा कानून बनाना चाहिए कि नशियां तों पंजाब नूं किस तरह नाल मुक्त कीता जावे, इस संबंध में एक मुस्तकिल नीति मुस्तकिल पॉलिसी बना के फिर उहदे विच चाहे कोई भी बंदा आवे वह किसी नूं भी बख्शिया नहीं जाना चाहिए, ता कि नशियां दे उत्ते पूरी तरह नाल जिहड़ा वह काबू पाया जा सके ते पंजाब नूं नशा मुक्त सूबा बनाया जा सके जी। इस दे नाल ही संधू साहब घड़ी दी सूईयां जिहड़ियां उह इशारा कर चुकियां ने कि प्रोग्राम दा समां इत्थे ही खत्म हो रिहा, तुसीं साडे नाल जुड़े तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। साडे दर्शकां दा वी शुक्रिया।